गाइस कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हो, आज मैं आपके लिए पुष्पा डीजे रिमिक्स सभी फ्लैट टेम्पलेट लेकर आऊँ। तो दोस्तों आपको इस टेम्पलेट का डाउनलोडिंग वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इसका ब्लैक स्क्रीन चाहिए तो भी इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो। तो गाइस आपको टेम्पलेट डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ उसमें बेसिक सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अब मैंने अपना एवी प्लेयर एप्लीकेशन ओपन कर रखा है। अब आपको यहाँ पे थ्री डॉट के डिब्बे पे क्लिक करके यहाँ से टेम्पलेट आपको लोड कर लेना है। तो गाइस मैं जब टेम्पलेट लोड करके रखा हूँ तो इसमें अपना इसके लिए आपको सबसे पहले पेंसिल के आइकन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ आप देखेंगे कि फर्स्ट में यूआर इमेज 1 मिलने वाला है और सबसे लास्ट में आने पर आप देखेंगे कि यूआर इमेज 2, दोनों पर आपको सेम टू सेम इमेज एड करना है। उसके लिए सबसे पहले अपने यूआर इमेज 1 में आना है और जनरल के नीचे इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से पीक इमेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अपना इमेज सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ये वाला इमेज सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो गाइस उसके बाद आपको इसको बैक करके सब सीसर नीचे चले आना है यूआर इमेज 2 में। इसमें भी आपको वही इमेज सेम टू सेम इमेज आपको ऐड कर लेना है, कोई दूसरा इमेज सेलेक्ट नहीं करना है, दोनों इमेज पे सेम टू सेम इमेज ही ऐड करना है। तो गाइस हमने इमेज ऐड कर लिया जो कि हमारा कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का आइकन मिलने वाला है, इसको आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आना है और प्री सेट में आपको सबसे लास्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे वीडियो 1280 और वीडियो हाइट 720 इतना टाइप करने के बाद आपको डायरेक्टली नीचे आके आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे वीडियो प्ले होते हुए एक्सपोर्ट होने लगेगा। तो फ्रेंड आज का हमारा टेम्पलेट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह नए नए डीजे रिमिक्स टेम्पलेट के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।